एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका व्लॉग्स 5। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। और अभी मेरा कुछ दिन से मायके में थी, बट आज मुझे निकलना है ससुराल के लिए। मेरे यहाँ पर पतिदेव आ चुके हैं रात मेरे को लेने के लिए। अभी मॉर्निंग का टाइम है, सो यहाँ पर अभी 9:30 का टाइम था और ये नहावा कर रेडी हो गए हैं और अभी थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है उधर एक साइड में। और यहाँ पर सबसे पहले बच्चों में उठी है कनक। कनक देखो यहाँ पर पैसे काउंट कर रही है। और कनक ने उठने के बाद ब्रश वगैरह किया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अभी सारे ही बच्चे सो रहे थे बट कनक सबसे जल्दी उठ गई है। एक्चुअली रात में गाइस हम ठीक से नहीं सो पाए थे, कुछ लाइट की प्रॉब्लम थी जिससे रात भर लाइट नहीं थी। सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे के करीब लाइट आई, तब जाकर हम लोग आराम से सोए। सो यहाँ पर देखो अभी ये सारे ही बच्चे सो रहे हैं बट कनक सबसे जल्दी उठ गई है और कनक ने अपना ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं, देखते हैं भाभी क्या बना रही है। यहाँ पर भाभी बना रही थी पनीर और अनियन के पराठे, जो बहुत ही टेस्टी पराठे बनाती है ये। तो भाभी ने सुबह पूछा था कि क्या बनाऊं ब्रेकफास्ट में, तो मैंने ही बोला था कि आप पनीर के पराठे बहुत टेस्टी बनाती हो तो वही बना लो। तो यहाँ पर देखिए पनीर आ चुका है और अनियन भी मैंने छील कर रख दी है। बस अभी यहाँ पर भाभी स्टफिंग रेडी कर लेंगी, आटा वगैरह उन्होंने गूंथ दिया था पहले ही। तो बस गाइस तब तक मैं थोड़े दूसरे काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ब्रश वगैरह किया, एक्चुअली मुझे भी थोड़ा जल्दी निकलना था क्योंकि आज संडे भी था और संडे ये मेरी 2-3 दिन पुरानी वीडियो थोड़ी पेंडिंग पड़ी हुई थी, वीडियो की एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिला था तो इसलिए इस वीडियो को आज अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर संडे था, मंडे से बच्चों के स्कूल ओपन हो रहे थे। एक्चुअली हम लोगों को सैटरडे में निकलना था बट कनक ने मना किया कि नहीं मम्मा आज नहीं जाएंगे, मैं तो आज ही आई हूँ, आप एक दिन तो रहने दो मेरे को नानी के यहाँ पर। कनक का बहुत अच्छे से मन लग जाता है गाइस, वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है इसको, मतलब ये किसी को पूछती भी नहीं, इसको मेरी भी जरूरत नहीं है, वहाँ पर नानी मामी चाहिए इसे। सो यहाँ पर कनक को पहले मैंने विशु को नहलाया, विशु को नहलाने के बाद उसके बाद कनक को नहलाया और उसके बाद श्यामा को नहलाया। तीनों बच्चे रेडी थे एंड उसके बाद इनको गर्म गर्म पराठे भाभी बनाती जा रही थी, मैं सभी को सर्व करती जा रही थी और पराठे बेहद ही टेस्टी बने थे। तो मैंने कनक से पूछा कनक पराठे कैसे बने, तो कनक बोली सच में मम्मा बहुत टेस्टी बने हैं। और जो मामी थी ना, मतलब इसको पराठे ऐसे कट करके दे रही थी जैसे हम लोग पिज्जा कट करके देते हैं ना इस टाइप से, तो बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टफिंग कितने अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बिल्कुल भी पराठे नहीं फटते हैं। भाभी पता नहीं किस तरीके से ये पराठे बनाती हैं, अगली बार जाऊंगी तो ये वाली रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। स्पीड में क्यों काम कर रही हो तुम ना, फटाफट फिलिंग तैयार करके नाश्ता, पराठे सबको नाश्ता करा दिया। मैं इन पराठों में दूर दूर तक मेरे पराठों की तारीफ होती है, वो अलग बात है, एक आदमी ने करी नहीं। तारीफ क्यों नहीं करी भाई, इधर को आके तारीफ करो। पता है यहाँ जो भी कुछ अच्छा बनता है ना, वो जो भी हैंड वो यहाँ बर्तन रखते जाते हैं किचन में, तारीफ करके जाते हैं। तो अपने दो शब्द बोल के जाइए इधर को आके किचन में। कनक को पराठे बहुत मस्त लग रहे हैं, तो अभी मधुमामी से कुछ तारीफ के दो शब्द बोलने जा रही हैं कनक। मधुमामी बहुत मस्त पराठे बन रहे हैं, तो एक और चाहिए भाई कनक को। ये ले भी आराम से खा ले। अच्छा ये और ये क्या हुआ? वो लग गया ना। अच्छा ये लो भाई नन्ना जाओ। दादी बोल गया तो ये देखिए गाइस मम्मी का थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा, तो मम्मी के लिए हम लोगों ने पनीर के पराठे तो नहीं रोटी जैसे ही बना दिया। लो मम्मी ये हटा लो गिलास, गर्म हो रहा है मम्मी बहुत ज़्यादा, गिलास हटा। अभी मुझे भी सब बताना नहीं ले तो कर रही थी। फिर तो गाइस आज दिन है संडे और मेरी घर जाने की हो चुकी है पूरी तैयारी, यहाँ पर मेरी पूरी पैकिंग हो चुकी है और साहब हमें रात आ गए थे लेने के लिए, तो अभी मैं तो रेडी हो गई हूँ, बस गाड़ी यहाँ कर आ रही है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। कनक को रेडी कर रही हूँ मैं, बस फिर चलते हैं ससुराल। तो गाइस देखो जाने से पहले मैगी की सेवा हो रही है साहब की, पनीर के पराठे आपके
डाइजेस्ट हो चुकी है अच्छे से। ठीक गाइस, वो समय वो दिन आ चुका है जब मायके से विदा लेने का टाइम आ गया है। मतलब कितने भी दिन रह ले हम मायके में यार, सच में मन नहीं भरता बिल्कुल भी। और मैं इस बार तो ज़्यादा दिन नहीं रही क्योंकि मैं 16 को गई थी, 16 की रात को गई थी, मतलब 17 को ही लगा लो। और 17 से फिर आप लोग देख सकते हैं, बस अब स्कूल खुलने से पहले ही आ गई हूँ। तो यहाँ पर ना मन बहुत ज़्यादा उदास था। तो बस गई सुबह से, मतलब मैं अपने आप को ऐसे कंट्रोल कर रही थी कि मैं मम्मी पापा के सामने नहीं रोऊंगी, क्योंकि मैं रोती हूँ ना, वो मुझे रोता हुआ देखते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं मम्मी, मतलब घर के लिए निकलूंगी ना, मम्मी पापा के से बिल्कुल हंसते हुए विदा लूंगी। और यहाँ पर मन तो बहुत उदास हो रहा था सभी का, और मम्मी तो बहुत ज़्यादा रोई थी। तो गई बस मन, मतलब अंदर से पता नहीं कैसा होता है। एक्चुअली पता, मायके में आने पर इतनी ज़्यादा खुशी होती है, इतने दिन पहले इतने एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग कि यार घर जाएंगे, छुट्टियां हो गई, बच्चों की समर वैकेशन हो गई है, अपने मायके जाएंगे, इंजॉय करेंगे। बट इतनी जल्दी टाइम निकल जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता यहाँ पर। और मैं हमेशा ना जब भी अपने मायके में जाती हूँ, इतना सोचती हूँ कि ना इस बार जाऊँगी, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी और उठने के बाद अपना मतलब वर्कआउट करूँगी तो स्लिम होकर आऊँगी, ऐसे होगा ऐसे होगा। बट मेरा वहाँ पहुँचने के बाद सारा टाइम टेबल जो होता है ना गड़बड़ा जाता है, बिल्कुल भी कुछ भी फॉलो नहीं कर पाती गाइस मैं। मतलब ना तो मैं रात में, मतलब एक तो ऐसा होता है कि रात में लेट नाइट हम लोग बहुत बातें करते रहते हैं सभी लोग बैठ कर, तो यहाँ पर सभी लोग मॉर्निंग में बच्चों की, भाभी भाई भाभी की वगैरह की सबकी छुट्टी होती है, तो भाई सभी लोग मतलब लेट नाइट सोते हैं, लेट सुबह मॉर्निंग में लेट ही उठते हैं। तो यहाँ पर आप लोग मम्मी का फेस देख सकते हैं, मम्मी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, इमोशनल हो गई थी मम्मी। और लेकिन मैं मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी गाइस। और अब तो पता नहीं मेरे पापा भी ना, मतलब पहले नहीं था, बट जैसे जैसे पापा जी की एज होती जा रही है ना, तो पापा जी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन मैं मतलब ऐसे जाहिर कर रही थी बिल्कुल इनके सामने कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रोऊंगी बिल्कुल भी। बट जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी और गाड़ी में बैठने के बाद मैं कंटिन्यू वहाँ तक रोती हुई आ गई गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रही गाइस। जब सुबह मॉर्निंग में मैं बच्चों को नहला रही थी, तो जो मेरा भतीजा है ना, मैंने उससे प्रॉमिस किया कि आप ना मतलब बिल्कुल भी नहीं रोओगे, क्योंकि वो कल ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, बहुत रोया वो। उसने कुटकुट से पूछा अपनी बहन से कि बुआ जी आज जाएंगी कि कल जाएंगी, तो उसने कहा कि जब भी फूफा जी आ जाएंगे तभी जाएंगी। बट इतना सुनते ही इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया, बहुत ज़्यादा रोया, तो मैं उसको रोता हुआ नहीं देख रही थी बिल्कुल, मतलब नहीं चाहती थी कि वो रोए। और इसलिए मैंने सुबह जब मैं उसको नहला रही थी, तो मैंने उससे प्रॉमिस लिया कि बेटा तुम बिल्कुल भी नहीं रोओगे। तो कह रहा कि ठीक है बुआ जी मैं नहीं रोऊंगा। तो मैंने कहा अभी तो आपको आना है, आप मेरी कोथली लेकर आओगे। तो वो थोड़ा खुश हो गया कि हमें फिर से बुआ जी के यहाँ पर जाना है, फिर मिलेंगे हम लोग। सर रोते रोते बहुत देर हो गई थी गाइस। तो पापा ने कहा, मतलब बच्चों के पापा ने कहा कि यार चलो मम्मी के लिए जामुन लेते हैं, मम्मी का फेवरेट है, और तब जाकर मम्मी खुश हो जाएगी, मतलब मेरे को बोल रहे थे ये। तो उसके बाद हम लोगों ने जामुन वगैरह खाई, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ। एंड उसके बाद आ गया बाबा का टेम्पल, जो सैतली गाँव में पड़ता है बाबा का मंदिर। और यहाँ पर हनुमान जी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर दर्शन किए हम लोगों ने, मन थोड़ा खुश हो गया। एंड उसके बाद गाइस हम लोग घर पर आ गए। उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। बाय।